नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, YouTube की ऑनलाइन क्लास में इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं कवि धूमिल, धूमिल की मोचीराम कविता। मोचीराम कविता पिछले कई कड़ियों में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी क्रम को अनवरत रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कविता निम्नानुसार है। एक जूता और है जिससे पेड़ को नांदकर एक आदमी निकला है। शेर को न वह अक्लमंद है, न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं जाना नहीं है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वो कोई बनिया है, वह कोई बनिया है या बिसाती है, या बिसाती है, मगर रोब ऐसा, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, वहां पिटो, गिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। निम्नलिखित पद्यांश आधुनिक काल के कवि सर्वोत्तरी कविता के कवि धूमिल द्वारा रचित मोचीराम कविता से लिया गया है। इस भाग में कवि ने मोचीराम के माध्यम से समाज के दूसरे अर्थात संपन्न वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के आचार विचार, मानसिकता, उनके व्यवहार करने के ढंग इत्यादि पर प्रकाश डाला है। मोचीराम कहता है कि समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक धनी और दूसरा निर्धन वर्ग। एक धनी वर्ग होता है और दूसरा निर्धन वर्ग। दोनों ही जूते पहनते हैं। धनी वर्ग है वो भी जूता पहन रहा है पांव में, और गरीब है वो भी जूता पहनता है, पर उनके रख रखाव और उनकी मानसिकता में अंतर होता है। अमीर और गरीब दोनों की जूतों में, रख रखाव में और उनकी मानसिकता में अंतर देखा गया है। मोचीराम संपन्न वर्ग के जूते के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण होता है वह व्यक्त करता है और कहता है कि हमारे मन पर वसंत के वृक्षों की, वह कहता है कि मैं एक अन्य वर्ग के आदमी के पैर का जूता भी ठीक करता हूं, दूसरे वर्ग का भी ठीक करता हूं, अमीर निर्धन इनका तो करता ही हूं, एक वर्ग और है जिसका मैं जूता ठीक करता हूं। वह व्यक्ति जब सैर सपाटे पर निकलता है तो वह जबरदस्ती के साथ अपने पैर को जूते में घुसाता है, अर्थात अहंकार करता है, अभिमान करता है, घमंड करता है। जूतों से निकला हुआ उसका पैर ऐसा लगता है मानो सैर सपाटे पर निकला है। जूतों से निकला हुआ पांव है, उनको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। मोचीराम कहता है कि मानो ये सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए निकला है, इसे कोई काम नहीं है और ये व्यर्थ ही सैर सपाटे के लिए, भ्रमण के लिए निकला हुआ व्यक्ति है। मोचीराम कहता है मेरी दृष्टि में ऐसा लगता है वह आदमी न तो बुद्धिमान है और न ही समय की पाबंदी को जानता है, न तो वह अक्लमंद है, न तो उसमें बुद्धि है और न ही वह समय की पाबंदी को, वक्त की कीमत को नहीं पहचानता है। यद्यपि वह घड़ी पहनता है, हाथ में उसने घड़ी पहनी हुई है, समय को देखता रहता है, बार बार घड़ी को हाथ उठा करके देखता रहता है, परंतु समय का महत्व वो नहीं जानता। समय की न तो उसके पास कोई पाबंदी है और न ही समय की पहचान। यद्यपि वह घड़ी पहनता है, मुझे तो उसकी आंखों में एक लालची पंसा
दिखाई देता है। मोचीराम कहता है कि मुझे तो वह लालची सा दिखाई देता है, वह जीवन के किसी भी दृष्टिकोण में बंधा हुआ नहीं रहता। यद्यपि वह आता जाता है, आवागमन करता है, इधर उधर घूमता रहता है, आवागमन उसका होता है, उसे न कहीं जाना होता है न आना होता है, परंतु फिर भी वो घूमता रहता है, इधर उधर भ्रमण करता रहता है, डोलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई काम न होने पर भी वह हमेशा जल्दबाजी में रहता है। जैसे जैसे बहुत ही बड़ा काम हो इस प्रकार जल्दबाजी दिखाता रहता है, वह केवल अपनी लाभ हानि के बारे में ही सोचता रहता है। मुझे तो वह, मोचीराम कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वह बनिया है या दुकानदार लगता है। कभी तो सोचता है ये बनिया है, कभी सोचता है ये दुकानदार है। इस प्रकार का आचरण करने पर भी वह एक घमंड के साथ रोपदार आचरण करता है। कुछ न होते हुए भी अपना अभिमान जता रहा है, मोचीराम के आगे घमंड प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे वह हिटलर का वंशज हो, हिटलर का नाती हो। वह सभी के साथ इस तरीके से व्यवहार करता है और वह कठोर भाषा का प्रयोग भी करता है। मोचीराम कहता है मेरे जूते की हिस्से को, वह कहता है मोचीराम से, मोचीराम कह रहा है कि वो व्यक्ति मुझे कहता है कि मेरे जूते के हिस्से को बांध दो, इसको काट दो, ये कील ठोक दो, वहां कील ठोक दो, पॉलिश अच्छी तरह से कर दो, उसकी पॉलिश ब्रश अच्छी प्रकार से लगाओ, जूते को बढ़िया चमकाओ, चमाचम जूता मेरा कर दो, कहीं भी कील नहीं दिखाई देनी चाहिए, इसको ऐसा ठोको, ऐसा घिसो, ऐसा चमकाओ कि चमाचम करता हुआ दिखाई दे, इसको बिल्कुल कांच की तरह चमका दो। इस प्रकार का वह मोचीराम के आगे आचरण करता है, जिसके पास न तो कोई